पिछले 8 साल से गुरुद्वारे में जन्मदिन मना रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। जाने अनजाने लोग आके मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआ देते हैं, मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देके चले जाते हैं। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि सबके गुरुद्वारे में जो भी आएगा, आज बहुत बड़ी प्रभात फेरी थी नगर अपना यहाँ पर लोखंडवाला से निकला था तो नगर कीर्तन, तो सब लोग वापस आए। हम लोगों ने लंगर रखा है 9 से 1 बजे तक था, तो मैंने सबको ये वाला पटका रिटर्न गिफ्ट दिया और मैंने भी पहना हुआ है, तो मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बुढ़ी नानी थी, 90 साल की और आंटी थी, फिर बहुत सारे अंकल थे, उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। तो मेरे मम्मी डैडी तो है नहीं, तो अगर मुझे प्यार चाहिए और ब्लेसिंग्स चाहिए तो ऐसे ही लोगों से मुझे मिलेगी और जिससे मुझे खुशी मिलती है। अच्छा, आप की डीपीएम ने देखे, आप अमृतसर जी, हरमंदर साहब जी, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जी, नानक जी के जन्मदिन पर आपने इतने अच्छे सवाल पूछे हैं। मैं गोल्डन टेंपल गई थी 2012 में और मुझे इतना अच्छा लगा था। वहाँ पर मैंने सेवा भी की थी, लंगर सेवा भी की थी। वहाँ पर बाहर जो जूते चप्पल रखने की सेवा होती है, जो साफ़ करने की सेवा होती है वो की, ऐसा लगता है जब आप सेवा करते हो तो जैसे अंदर से हम धो रहे हैं, अपने आप को साफ़ कर रहे हैं और बहुत शुद्ध फील होता है एंड एकदम न्यू लाइफ जैसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। करतारपुर सिंह साहब का जो रास्ता खुला है, हम सारे सिख समाज के लिए, हम सारे पंजाबियों के लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स की बात है। हम बहुत खुश हैं। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं कब तक उनका शुक्रिया अदा करती रहेगी, क्योंकि हमारे नानक जी का जो ओरिजिन है वहाँ पर दर्शन करने के लिए अभी इतनी आसान हो जाएगा, सबको लिए, सभी के लिए इतना आसान हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गुरु नानक जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरा तो जन्मदिन उनके जन्मदिन पर है तो मैं तो बहुत ही लकी हूँ, पर आप सबको भी नानक जी की जन्म की बहुत बहुत बधाई। बोला बेटा, हैप्पी बर्थडे मासी। हम लाइक मेरे को जब इनवाइट मिला था मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई थिंक हर साल मासी गुरुद्वारा में ही लंगर रखती है और गुरुद्वारा में ही बर्थडे सेलिब्रेट करती है। आई डोंट थिंक शी इज एवर सेलिब्रेटेड अदर देन द गुरुद्वारा। आरती जी के लिए गुरुद्वारे से अपने 550वां गुरु नानक जी का 550 साल होने वाले हैं, इनके लिए शुभकामनाएं मांगूंगा कि आरती जी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, अपने क्षेत्र में एक नए मील के पत्थर साबित करें और आगे बढ़ती चली जाएं आरती जी। धन्यवाद। नाम है कन्हैया गोलानी, मैं रिटायर्ड आरटीओ ऑफिसर हूँ बॉम्बे से, मैं बॉम्बे चीफ रह चुका हूँ। मेरी आरती जी को आज के जन्मदिन की लाख लाख करोड़ करोड़ मुबारक हैं और इस शुभ अवसर पे हम लोग इधर गुरुद्वारे में आए हुए हैं 550 गुरु नानक जी का बर्थडे के लिए। उनका अखंड पाठ साहब शुरू हो गया आज, तो मेरी तरफ से उनको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। पहले तो वाहिग खालसा वाहिग फतेह सारी संगत में जी। आरती जी साढ़े बहुत पुराने दोस्त हैं तो इन्होंने इनवाइट किया, और सब तो मेन गल है बाबा जी का 500 साल भी आ रहा, 550 साल, उस दौरान सानू उन्होंने दर्शन कराए बाबा जी के। पहले तो ताड़ा बहुत बहुत थैंक यू जी, और महाराज इन्होंने बहुत बहुत तरक्या दे, बहुत खुशियाँ आने वाला साल इन्हों का भरया हो। सारी संगत को वाहिग खालसा वाहिग फतेह। सबसे पहले तो मैं गुरु नानक जी से आशीर्वाद लेने आया हूँ। गुरु नानक जी दी खालसा, गुरु नानक जी फतेह। मैं जब से बचपन में छोटा था मैं हमेशा मेरी माँ के सामने बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब के सामने क्या कहते हैं उनको चौछा संभालता था। मैं छोटा था तब से, तो ये मेरा ही कैसा कहे तो मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु नानक जी का 500 साल अभी होने वाला है ना, बड़ा जा। तो सबसे पहले मैं उसके लिए आया हूँ। एंड एट द सेम टाइम आरती नागपाल इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई एम हियर टू विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उन्होंने ये स्थान चुना है अपने बर्थडे के लिए एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग यू नो कि यहाँ के फ्रंट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब यू माथा टेकते हो और यू नो यू टेक योर।
It's a very nice way of celebrating and bringing in the next year. Thank and you. Lots of blessings to you. Thank you. Actually, it's ये मम्मा गुरुद्वारा is a medium for her way to give people. उनको she likes to मतलब अभी recently अभी हम लोग तो हम लोग recently घर भी अभी साफ कर रहे थे अपना. So there was a lot of सामान that we bought, sofa वगैरह हम लोग ने ऐसे ही दे दिया है लोगों को. Like रास्ते में जो भी अच्छे मिल रहे थे उसको कपड़े चाहिए तो we just like giving and इतने सारे लोग को feed करना even though it's a birthday. Rather than spending on a party or something, I think it makes much more sense to give people food, and because that's the basic thing required to survive. So that's her whole idea, and it just there was this warm feeling, like ऐसा दिल में अच्छा लगता है जब serve करते हो, and गुरुद्वारा is a place where I genuinely feel very calm. Peaceful. Yeah. गुरुद्वारा मत्थे के क्या दुआ मांगी आपी बर्थडे गर्ल के लिए? के वो ऐसे ही करते रहे और वो उनको शांति मिले. Because that's one thing that's very important, shanti, and that's all. That's all I have. Satnam Vaheguru, Aarti Nagpal. She is my very very old friend. We grown up together, and I wish her lots of birthday wishes and lots of success. May Baba Ji take her all her problems away and make her happy always. Nam Vaheguru. मैं अज के शुभ अवसर पर आरती नागपाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहवागी उन्होंने जन्मदिन की. परमात्मा ने यह दिन चुने एक बहुत ही वड्डा पुरब है साढ़े सारे पंजाबियों सारे हिंदुस्तान पूरी दुनिया वास्ते कि बाबा जी का असं 550वां पुरब मना रहे हैं. तो आरती नागपाल जी बहुत किस्मत वाले कि उन्होंने जन्मदिन बाबा जी नाल मिल के मनाया जा रहा है. तो मैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देनी हूँ. परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला च रखे अच्छी सेहत बख्शे खूब तरक्कियां मानन मेरी यही दुआ है परमात्मा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आरती जी का बर्थडे सेलिब्रेट करके उनको बधाई देके. सतनाम वाहेगुरु विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू द अमेजिंग एक्ट्रेस द अमेजिंग पर्सनालिटी ब्यूटीफुल सोल. शी इज़ अ ग्रेट राइटर एक्टर डायरेक्टर शी इज़ अ अमेजिंग ह्यूमन बींग. थैंक यू सो मच सर. इस तो बढ़िया कोई गल नहीं है जी. फर्स्टली आरती को मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और उनकी जो सोच है उनको हर वक्त सलाम है, क्योंकि इससे बेटर मेरे ख्याल से वो ये इस तरह से जो सेलिब्रेशन का उनका एक सोचना था. सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली शी इज़ ऑलवेज़ बीन लाइक दैट, ऑलवेज़ क्रिएटिव और कुछ हमेशा डिफरेंट ही करती है. और ये भी बाबा दी मेहर हैगी कि शी इज़ बीन ब्लेस्ड एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव हर एज अ फैमिली मेम्बर एज अ लवली सेलिब्रिटी इन द इंडस्ट्री. और एक अच्छी लेखक है, अच्छी एक्ट्रेस है और बड़ा अच्छा लगता है जब भी उनकी कोई भी ओकेशन पे जब इन्विटेशन आता है तो लगता है कि अब कुछ अलग होगा. एंड आर बेस्ट विशेज टू हर एंड वाहेगुरु मेहर करे और ढेर सारी खुशियाँ दें. बहुत अच्छा लगा और वो बेस्ट टू बेस्ट आर्टिस्ट है. आई एम अ हेयर स्टाइलिस्ट बट एज अ हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट वो सबको इतना प्यार देती है कि हम क्या बोले. और हम स्पेशली उनको उनके बर्थडे के लिए आए हैं और बस भगवान करे बहुत बहुत आगे बढ़े. थैंक यू बिकॉज आई एम हियर ऑन 550th बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी. तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, वहाँ पर आके ऐसा पॉजिटिव लग रहा है. आई एम फीलिंग रियली गुड. बस ये दुआ मांगे कि सब दुआ उनकी पूरी हो जाए. बहुत अच्छा लगा और बड़े कम लोग होते हैं जो इतना समय निकाल के यहाँ पर आके और अपने बर्थडे को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी शी वाज वेरी नाइस दैट शी कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंड वी गॉट समहाउ इन टच विद द डिविनिटी. एंड आई थिंक व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ रियली नाइस. एंड एक होता है आप दिल से करते हैं, दिखाने के लिए नहीं करते. तो आई थिंक वो दिल वाली बात सबको टच कर रही है. तो हम तो यही कहेंगे कि बर्थडे विश तो सब है, लेकिन यही है कि जन्मदिन, जन्म दोपहर, जन्म शाम, जन्म रात, जन्म हफ्ते, जन्म महीने, जन्म सालों साल बहुत बहुत मुबारक हो. हमारी वाहेगुरु से यही अनुकंपा है कि हमारी दीदी हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और धन की असीम वर्षा हो उनके ऊपर. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी इज़ क्वाइट स्पिरिचुअल एंड वन कैन फील द स्पिरिचुअलिटी. तो इस तरह से और बर्थडेज होते रहे आई थिंक सबके लिए अच्छा है. थैंक
थैंक यू सो मच सर। जन्मदिन महान पुरुष का जो होता है उसका सेलिब्रेशन होता है, और ये सेलिब्रेशन मुझे लग रहा है वो हमें आशीर्वाद देने गया। पहले मेरे सर पे जो पहना गया है टोपी, वो मतलब मेरे सर पे आशीर्वाद फटका से मुझे उनके डायरेक्ट आशीर्वाद मिल रहे, इतना मैं मानती हूँ। और मेरे मन में भी उनकी जैसी बलिदान की और स्वार्पण में मेरे देश के लिए हो, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करूँ कि ऐसा मुझे आशीर्वाद। आरती जी का भी जन्मदिन है, नाम क्या है? आरती नागपाल। आरती नागपाल जी को आज जन्मदिन है, मैं एक वडिल के रूप में उनको शुभेच्छा देती हूँ कि आज गुरु जी के आशीर्वाद ऐसे मिले ऐसे मिले, उनकी आने वाली पीढ़ियों तक वो आशीर्वाद जिंदा रहे। थैंक यू। आरती जी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, और एज अ वुमन वो मुझे इतना इंस्पायर करती है हमेशा, मतलब वो हमेशा कभी हार नहीं मानती है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव ब्यूटिफुल, तो मेरी तरफ से उनको बहुत 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 मुबारकबाद आज के दिन के लिए। और आज गुरु नानक जी का भी जन्मदिन है, तो उसके लिए आज बहुत खुशी का दिन है, तो उसके लिए भी बहुत बधाइयाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आरती आरती नागपाल जिसे हम पहचानते हैं एज एन एक्ट्रेस, उसका जन्मदिन है। जन्मदिन तो लोग बॉलीवुड में कई तरह से मनाते हैं, पर आरती ने आज गुरुद्वारे में मत्था टेक के बाबा जी का आशीर्वाद लेके अपने नए जिंदगी की शुरुआत की हुई है, और इसके लिए बाबा जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। उनको दुख तकलीफ कष्ट बीमारी क्लेश अशांति हर तरह के अपना नेगेटिव तत्व से दूर रखे, और आरती की ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ आएँ, ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। एंड आरती वंस अगेन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ थैंक यू।